नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण और बेहद खास मेहमान आमंत्रित हैं, रायगढ़ कांग्रेस के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष महेंद्र घरत साहब। आप इंटक के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष हैं और विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभालते हुए कांग्रेस और कामगारों की समस्याओं को हमेशा उठाते रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी वन इंडिया में। सबसे पहले आपको रायगढ़ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया कांग्रेस का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कांग्रेस अगर कुछ हाल के दिनों में देखें तो जिस तरह से इतनी पुरानी पार्टी है और हाशिए पर चली गई थी, अब आपकी प्राथमिकता कैसी रहेगी? हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी, बहुत सारे लोग हमको छोड़ के गए थे, जैसे रामचंद्र ठाकुर है, रविशेट पाटिल है, सब लोग छोड़ के गए। और हमारे दो तीन बड़े नेता मधुशेट ठाकुर, मानिकराव जगताप, श्याम मात्रे, उनका देहांत हो गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा या उनकी कमी महसूस हो रही है। ग्राउंड में तो कांग्रेस है, लेकिन ऊपर से हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, इसके लिए हम लोग अस्त व्यस्त थे। 4-5 सालों में धनाधन, क्योंकि लोग निकल गए, बड़े बड़े लोग निकल गए, वो हमारा कैडर भी लेके गए। यस, मतलब वो लोग जो आए थे वो अपना तो लेके गए, लेकिन कांग्रेस को भी खाली करके चले। तो सडनली ये सब मूवमेंट था, उसमें ये दो तीन देवासन हो गए, तो बहुत सारी कमतरता है। लेकिन ग्राउंड में अभी जो हम लोग को ठीक ठाक हमारा गढ़ करना है, हमको घूमना है, देखना है कितने लोग जा चुके, किनको हम लोग ला सकते हैं। युद्ध के बाद जो परिस्थिति होती है, जो हालात होते हैं, वो हालात है, तो संभलने का पहला कोशिश करेंगे कि हम लोग सब ठीक ठाक कर सकें। पिछले कुछ सालों की अगर बात देखें तो पनवेल महानगर पालिका में एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस की ही सत्ता थी, लेकिन रामचंद्र ठाकुर के जाने के वजह से कांग्रेस की सत्ता चली गई। ऐसे में आने वाली प्राथमिकता किस तरह की होगी आपके नेतृत्व में? कांग्रेस रायगढ़ में किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़े? मोस्टली कैसा है कि पहले तो सेका पक्ष और कांग्रेस दो ही पार्टी बहुत ताकतवर थे, शिवसेना थी लेकिन इतनी ताकतवर नहीं थी। तो जहां हम लोग रामचंद्र ठाकुर साहब आने से पहले तो भी कांग्रेस 70-75,000 वोट थे, नेक टू नेक रहते थे। पनवेल में हो, उरण में थे, उरण में भी श्याम मात्रे साहब और विवेक पाटिल के हो, तो वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन एकाएक ये लोग छोड़ने के बाद यहाँ पनवेल उरण में बहुत सारी मतलब नुकसान हो गया कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी उनके साथ गए। तो अभी प्राथमिकता है कि कांग्रेस ये जनता की पार्टी है, कांग्रेस लोग चाहते हैं, क्योंकि जब से बीजेपी अभी रूल करे 2014 से, तो जनता परेशान है, बेहाल है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ गए डिमोनेटाइजेशन होने के बाद, और ये सब जो कोविड आ गया उसके बाद, और इन्होंने जितने भी राष्ट्रीयकरण के उद्योग थे उनका सबका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो जनता परेशान है। जो जनता चाहती थी ऐसा राज नहीं, उनको अच्छे दिन का सपना, पहले तो उन्होंने बोला था कि हम लोग डेवलपमेंट का काम, लेकिन अभी हिंदू मुसलमान का काम चल रहा है और चल रहा है, तो जनता परेशान है। और कांग्रेस अभी जनता चाहते कि कांग्रेस फिर सत्ता में आए, तो हम लोग पीएमसी में हमारा ये रहेगा प्रायोरिटी। अभी तो महाविकास आघाड़ी साथ साथ लड़ रहे नेताओं का, हमारा अध्यक्ष जी का, नाना भाऊ पटोले जी का, उनका कहना है कि हम लोग अकेले जाएंगे, क्योंकि अकेले जाने से क्या होता है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे पास है, उनको सीट नहीं मिलती। बंटवारे में महिला आ जाती है, फिर आरक्षण की आ जाती है, तो उसमें जो लोग काम करते हैं उनको चांस नहीं मिलते। तो हम लोग, हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम हमारे सारे कैंडिडेट कैसे खड़े हो सकते हैं, इसका तैयारी करेंगे, और उसके बाद महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, एनसीपी है, शिवसेना है और क्षेत्रीय कामगार पक्ष, तो उनसे बात करेंगे। लेकिन महानगर पालिका में लास्ट टाइम भी जो हमारे सीट गिरे वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एक्चुअली हमारी सत्ता उस टाइम भी महाविकास आघाड़ी की, शेका पक्ष, एनसीपी और कांग्रेस की आने की दरकार थी, आखिर के इसमें हम लोग हो गए। तो यह फिर हम लोग एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टैक्स का निकाला है उसके खिलाफ जनता में रोष है, पानी की समस्या है, अनेक समस्या है, तो हम लोग वो कैश करके हम लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे और फिर परिवर्तन वहाँ लाने की कोशिश करेंगे। आप कामगार नेता हैं, इंटक से इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र का कामकाज देख रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप महासचिव हैं, किस तरह की समस्याएं आपको लगती है? क्योंकि नवीबई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इकोनॉमिक ड्राइवर्स बहुत ज्यादा हैं, जेएनपीटी आप ले लीजिए, ओएनजीसी ले लीजिए, या एसईजेड हैं, दूसरे तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीटको हो गई, ऐसे इस तरह के उपक्रमों के बीच कामगारों को न्याय दिलाने के लिए और उनकी चुनौतियों को हल करने के लिए किस तरह के प्रयास आपके चल रहे हैं? जैसे हम लोग 50 साल में लड़ लड़ के सब जो कानून बनाए थे, श्रमिक के कानून, उनको ये जो अभी भंडवल सरकार आई, मतलब प्राइवेटाइजेशन वाली सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, वो सारे कानून तोड़ के
चार कोड लाना चाहते हैं। आपने तो यहाँ 250 उद्योगों में अपना यूनियन है, मतलब जेएनपीटी के सारे बंदरगाह है, वेयर हाउसिंग है, तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया है, बेलापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, महाड तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो कामगारों को दबाने का काम है उनका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है कि आपको अभी परमानेंट रोजगार मिलेगा नहीं, 100% कॉन्ट्रैक्ट। जो मल्टीनेशनल आ रहे हैं जैसा अभी पीएसए आ गए, तो वो भी अपॉइंटमेंट जो करे जीटीआई जो पोर्ट है वो एपीएम टर्मिनल, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो कामगारों का बहुत बुरा हाल है। और ये जो जा रहा है सब एयर इंडिया बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बीपीएल प्रॉफिट वाला, तो सारा बेचने का धंधा चल रहा है। तो कामगारों की बहुत खस्ता हालत है कि आगे जाके कामगार और गरीब होगा। अरे अडानी अंबानी ये ऐसा बनेंगे तो हम लोग कैसे महासत्ता बनेंगे? तो पर पावर बनना है तो गरीबों को भी उठाना चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए। मिनी वेजेस नहीं दे रहे, आज हम लोग बोलते हैं 20,000 दे दो, क्योंकि क्या भाड़ा चल रहा है, आप तो नई मुंबई में जा रहे हो, तो यह भाड़ा भरना भी लोगों को मुश्किल है। इन समस्याओं को सरकार के खिलाफ उठाना और कामगारों को न्याय दिलाना कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है आज के दौर में? इसमें हम लोग पूरे नेशनल फेडरेशन जो है नाइन है, इंक्लूडिंग बीएमएस भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका सारे का नेतृत्व हमारे जो इंटक फेडरेशन है, इंटक हमारे 3.5 करोड़ की हमारी मेंबरशिप है, जो वर्ल्ड में एक नंबर है। तो उनके साथ हमारे साथ C2 है, BMS है, HMS है, ये सारे संगठन हम लोग इकट्ठा लड़ रहे हैं। लेकिन उनको जैसा वो फार्मर्स के लिए फोकस नहीं दे रहे मीडिया, तो उनको भी फोकस नहीं दे रहे। सारे वर्कर्स फेडरेशन इकट्ठा लड़ रहे हैं, मतलब उनका भारतीय मजदूर संघ जो भी है बीजेपी का, वो भी हमारे साथ है। अच्छा। तो आप समझिए कि हम लोग पूरा दुनिया का कामगार एक हो, वैसा भी इंडिया का कामगार एक है और हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। स्टील में पूरा स्ट्राइक हो गया तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अभी प्राइवेटाइजेशन में जहाँ जहाँ वो करे उसके खिलाफ हम लोग सारे फेडरेशन ये करे, तो हम लोग लड़ रहे हैं कि देखो ये नहीं चलेगा, सारा प्राइवेटाइजेशन करोगे ये चलेगा नहीं। सर, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र को अगर देखा तो बड़ा विस्तारित क्षेत्र होता है, उसमें सिटी इलाका भी है, अर्बन इलाका भी है और ग्रामीण इलाका भी है, लेकिन आज भी जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, संतुलित विकास होना चाहिए, नहीं हो सका। आपको किस तरह के चैलेंजेस यहाँ दिख रहे हैं जो पनवेल महानगर पालिका में विकास को प्राथमिकता उसको देनी चाहिए? जैसे पनवेल अभी समझो महानगर कारपोरेशन 5 साल पहले हुई, पनवेल और उरण का एक दुर्देव है कि यहाँ का कभी कोई मिनिस्टर नहीं बना। जैसे हम लोग तो डैम की कमतरता है अभी पानी की, ये जो डेवलपमेंट सड़कों की हो रहे, गुलवा नोड हो, खारगर नोड हो, कामोटा हो, न्यू पनवेल हो, हर जगह आप देखोगे पानी की कमतरता। अभी 5 ML भी बड़ा फिर भी पानी लोगों में, अभी बाजू में पुलवा नोड है देखिए, 2-2 दिन में पानी मिल रहा है। तो ये पानी का समस्या, अभी सिड़कों के पास इतना पैसा है लेकिन इधर उधर पैसा घुमा दिया, जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए पैसा नहीं लगा रहे। तो इसके लिए हमके साथ एक कोई मिनिस्टर रहेगा तो वो कुछ रूल कर सकता है। यहाँ MLAs है, MPs है, पावर नहीं है। MLAs MPs यहाँ के हो गए लेकिन सत्ता में रूलिंग में बैठ के कोई करेगा? जैसे आप देखो कि नासिक में जाओगे छगन भुजबल सब ताकत से करते हैं, बारामती में जो पावर साहब और अजित पावर साहब करते हैं, पिंपरी चिंचवड़ ने अच्छा किया। तो इस टाइप से ऐसा कोई बना नहीं, ये दुर्देव है हमारा। हम लड़ते मांगते वो उसमें कुछ नहीं होता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे पिंपरी चिंचवड़ की हो गई, नई मुंबई की हो गई, गणेश नाइक ने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लाया उन्होंने अच्छा सब, तो इसके लिए तो अच्छे है कॉर्पोरेशन, तो ये बनाना चाहिए। और जो अब प्रेजेंट MLA है उन्होंने ऐसा विजन बनाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं पानी तो दे दो, 17 साल से अगर राजनीति कर रहे हो तो पानी के लिए क्यों अभी तक समस्या है? तो ये सब करना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आपने खुद उरण को रिप्रेजेंट किया था जब चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत है? और जिस तरह से एक वादा किया गया था कि उरण और पनवेल का विकास होगा, उस तरह से विकास में बाधाएं रही हैं? उरण ये जैसा हम लोग डिलिमिटेशन में नया मतदार संघ बना, वेग पाटिल पहली बार, वो तो 4 बार बने लेकिन हाँ। वो वेग पाटिल वहाँ से रिटायर पहले हाँ। उनको वो लास्ट इलेक्शन में उनका 2014 में वो गिर गए, उसके बाद मनोहर भोईर आ गए, एक्सीडेंटली आ गए, उसके बाद ये अपक्ष एक्सीडेंट। उरण ने 3 MLA चुन के दिए, कोई कुछ विकास के लिए नहीं करते। अब ये गांव जाके देखो, ये आइडियल विलेज मैंने बनाया, 15 करोड़ डाल दिया, आप जाके बाजू में देखोगे जिम है, 2,500 स्क्वायर फुट फ्री ऑफ कॉस्ट गांव के लिए है, वहाँ बैंकेट हॉल चलाता है, ये सब गांव में स्ट्रीट लाइट देखो आप, देखो कंक्रीट रोड्स है, सब डक्ट में है, कहाँ भी पानी। तो ये मॉडल है, 15 करोड़ में सिड़कों से लाके क्या खेल का मैदान लाया, तालाब बनाए, सब बनाए, हर गांव में हम लोग करें। तो विकास के मॉडल पे कोई बात नहीं करता, उनको सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता चाहिए आगे क्या करना है?
हम क्या बोलते हैं जो एमएलए जाते हैं उनको, यार तुम्हारा काम मेरे को ही करना पड़ा है, मैं लास्ट चुनाव नहीं लड़ा, एक 2014 का लड़ा, लेकिन तुम क्या करते हो और क्या करना चाहिए। इसके ओपनिंग में रामचंद्र ठाकुर साहब थे, वेगपाली साहब थे, मनोहर भोईर थे, गणेश जी नाइक थे, मंदा मात्रे थी, संदीप नाइक, बारराम पटेल प्रसाद, सारों को न्योता दिया था कि क्या विकास होना चाहिए। महेंद्र एक बार लड़े, बाद में नहीं लड़े, लेकिन मेरा काम नहीं रुका है। हम रोज जाते जनता, हम जो समय जिला परिषद में था 57 वाटर टैंक बनाए, तो लेकिन महिलाओं को जो हंडा लेके बाहर जाती थी उनको सार्वजनिक नल बंद करवा दे, घर घर में पानी। ये विजन होना चाहिए। पायलट योजना में हम लोग अच्छा काम किया। हम लोग जो जनता के लिए आते चुन के, तो उनके हम लोग नौकर है, उनको जो जरूरत है। कांग्रेस का हाथ हमारा आम आदमी के साथ है, काम नहीं रुकते। मैं काम तो करता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी लड़ता। जो हमारे जिला परिषद मेंबर चुन के आए, ग्राम पंचायत उनकी रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए काम करते हैं और सिड़कों से अच्छे फंड्स हम लोग लाके डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक सर अहम सवाल जो आजकल सुर्खियों में है, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर जिस तरह से प्रकल्पग्रस्त दीपा पाटिल साहब का नाम चाहते हैं, आपकी भूमिका खासकर कांग्रेस की, अब चूंकि अब आप एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, तो नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर आपकी भूमिका भी क्या होगी? नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये बात पहली छेड़ी गई अग्री समाज जो हमारा है, उनकी जो कमेटी थी, जो उनके नेतृत्व में एक काम चल रहा था 2 साल से। जब इस सिड़को का रिजोल्यूशन हो गया तो उन्होंने एक मीटिंग लगाई, तो उस मीटिंग में सारे पार्टी हो गए, कोई उसमें नहीं था, न बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, न सेना थी, न राष्ट्रवादी, और सारे जाके हम लोग बोले कि नहीं दीपी पाटिल साहब का नाम दे। उस टाइम वो सारे थे, बबन पाटिल भी थे, मनोहर भोईर भी थे, और उस टाइम हमारा चर्चा हो गया। उसके बाद हम लोग डिवाइड हो गए कि महाविकास आघाड़ी काम करे। दीपी पाटिल साहब का एक क्या सपना था कि यहाँ मोर देन 15,000 घर जो है, जो 70 साल में उन्होंने एक्विजिशन किया, तो पहला गाँव का बाउंड्री पकड़ा, उसके बाद जो गाँव विस्तार, उनका जो नेचुरल ग्रोथ से जो घर बने उनको रेगुलराइजेशन करो, ये बात अशोक चौहान साहब ने ये किया था और पाटिल साहब का वो सपना था। हम लोग महाविकास आघाड़ी साथ में काम कर रहे, हमारा नाम कुछ कभी बाला साहब ठाकरे का नाम दे दो, ऐसा कांग्रेस का कभी डिसीजन नहीं था, क्योंकि अशोक चौहान साहब ने लेटर लिखा कि देवेंद्र फडणवीस साहब को कि दीपा पाटिल साहब के नाम की मांग है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग सेंट्रल को भेज देते, उन्होंने भेज दिया। नाना फडणवीस साहब के बाद जब समिति गए तो बोला उन्होंने सीएम के पास दिया। हम दीपा पाटिल साहब के अनुयायी है। 1984 में जब आंदोलन हुआ, जब पंच हुतात्मा हुआ, तो मैं 12th में था, मैं उस आंदोलन में था और उनके आखिर तक उनको साथ दिया। वो आदमी समाज के लिए गया। आज जो हजारों करोड़ का, मैं तो हमेशा मेरे भाषण सुनिए, अब मेरा गांव है, अगर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आई हुई है तो ये देन दीपी पाटिल साहब के, और जो बंगले गाड़ियां सबकी दिखती है, ये सब 12.5 टक्के की देन है। और उन्होंने अपना घर कभी नहीं बनाया, क्योंकि वो उन्होंने कभी नॉन कर आदमी थे, जिंदगी भर लोगों के लिए लड़े, तो उनका नाम देना उचित है। हमारा कांग्रेस का पॉलिसी, मैं यहाँ का लोकल नेता हूँ, मैं तो मेरा 100% उनके बाद, अभी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग यहाँ के जो लोकल है डिमांड है, और दीपी पाटिल साहब के हम लोग अनुयायी, तो उनका नाम देना चाहिए, और ये जो मांग है इतनी जोर से है, तो हम लोग उनके साथ है। बीजेपी का एक इस मामले में कहना है कि जब बीजेपी आंदोलन कर रही थी प्रकल्पग्रस्तों के साथ, उस वक्त जो महाविकास आघाड़ी के नेता थे वो कह रहे थे कि आप सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाइए। प्रकल्पग्रस्तों का शिष्टमंडल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आगे प्रोसीड करेंगे और आंदोलन खत्म हो गया। उनका कहना यह है कि बीजेपी का, कि अब जब महाविकास आघाड़ी के नेता ये कह रहे थे कि सेंट्रल में चले जाइए, सेंट्रल में चले गए, तो क्या अब आंदोलन में हिस्सा लेंगे क्या? नहीं, नहीं, हम जरूर लेंगे। कांग्रेस का है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, यहाँ का आम आदमी का मांग है, अग्री, कोली, कराड़ी, जो भी है, कौन भी है, सारे लोग हैं, मतलब हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उस टाइम एक हमारी बात थी कि महाविकास आघाड़ी जो हम लोग, हमारा, मेरा एक डिमांड था कि महाविकास आघाड़ी का डिमांड था, दीपी पाटिल साहब का सपना था कि सारे नेचुरल ग्रोथ से जो घर बने उनको रेगुलराइज, और हम लोग को वहाँ वर्ड दिया गया था जो हमारे महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण है कि देखो ये टॉपिक शुरू हुआ शिरके के पास, उसके डिस्कशन हुए, ड्राफ्ट आगे गया, और यह आंदोलन के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद यह घोषणा होगी। अभी भी होते घोषणा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नगर विकास मंत्री जी जो एकनाथ जी शिंदे हैं, उन्होंने बोला कि ये हम लोग न्याय देंगे, लेकिन वो रुका हुआ है। तो हमारा वो डिमांड था, वो करना चाहिए। तो ये अभी ये मेन डिमांड क्या है कि एयरपोर्ट का नाम का तो है कि नाम उनका देना चाहिए, जनभावना है, जनभावना का सम्मान देना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी का नाम तो मुंबई में बहुत जगह दे चुके हैं, और 10 जगह देखो हमारा नहीं है, उनका भी सम्मान है, वो महाराष्ट्र के मान्यता थे, तो पाटिल साहब का देना चाहिए। और पहला अग्री सांसद थे
समाज का मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो ओबीसी के लिए दुनिया भर लड़े, मतलब देश भर लड़े उन्होंने, एक बड़ा नाम है जिनके वजह से हजारों 25,000 फार्मर्स को मोर देन 18-20,000 करोड़ का पैकेज जो आज मिला है 12.5% के, उनकी वजह से बदौलत मिला है, तो उनकी देने और वो आप जनता चाहती है, वो कभी नहीं चाहते थे। मैं एमपीसी कॉलेज का, मैं अगर अलमनी एक्शन का प्रेसिडेंट हूँ, मैनेजमेंट हूँ, तो उन्होंने क्या उनका नाम देना चाहते थे हम लोग? वो आपने हयात में महात्मा फुले आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज करवा दिया, तो कोई भी नेता क्या होता है, मैं कुछ बनाऊंगा तो मेरा नाम देने का कुछ है महात्मा, तो वो उनका एक अलग आदमी थे, उनकी एक ऊंचाई बहुत थी, और ऐसा ऊंचाई वाला आदमी आगरी समाज में होएगा नहीं, ऐसा मेरे को लास्ट है। तो उनको सब अभी महाराष्ट्र पूरा चाहता है, महाराष्ट्र भर से समाज ये आया, तो अभी सोचना चाहिए और इन्होंने देना चाहिए, हमारा कहना है कि दिलीप भाई साहब का नाम दे दो। सर आप प्रकल्पग्रस्त नेता भी हैं, और आज भी जब से इस नवीन भाई शहर का विकास हुआ है, आप देखेंगे तो सारे प्रकल्पग्रस्तों की जमीन पर ये पूरा सिटी बसा हुआ है, इसके बावजूद भी जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, आज भी प्रकल्पग्रस्तों को नहीं मिला है। आपकी प्राथमिकताएं किस तरह की होंगी कि प्रकल्पग्रस्तों को जो उनका अधूरा हक है वो मिले और सिट को उनके साथ न्याय करें? क्या होता है उसमें, मैं 30 साल से इस आंदोलन में हूँ तकरीबन, जितने मोर्चे निकाले गए सालों में हूँ, और आप सोचिए कि लखीनाथ से सारे जो एमडी जाए उनसे बात करें विकास के लिए। एक देवी पाटिल साहब ने, उन्होंने डिसाइड किया था कि 5% सड़कों के टनों के 5% इन गांवों के विकसित होने के लिए नेता जिम्मेवार है, वो जाते हैं अपने काम के लिए जाते हैं अपने प्लॉट से। अभी 12.5% देना है, पूरा नहीं दिया गया, जो अभी तक उरन में द्रोणागिरी नोड में देना है, बाकी है लोग चक्कर काट रहे हैं उसका लॉटरी, उसके पास सड़कों के लिए जिम्मेदारी। सड़कों में कोई भी MD आता है, एक साल हो गया कि उसका कुर्सी डगमगा जाता है। हम चाहते हैं कि जैसे भाटिया थे, लास्ट तक लेना लेके जाना चाहते थे, गगरानी थे, उनको बीच बीच में बदल दिया, उनको पूरा 5 साल अगर किसी MD को टेने तो वो प्लान कर सकते हैं। अभी समझो JMD जाए अच्छे लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं है, अभी वो आ गए तो उनको समझ में 6 महीना जाता है, और 6 महीना होने के बाद कोई तो फील्डिंग लगा देते कि उसको सड़कों का MD JMD बनना है। जो भी आते हैं तो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते आते हैं, तो पहले का खुर्ची 1 साल पहले रहा है, तो उनको पूरा टाइम नहीं मिल रहा है अभी देना। ये हम लोगों का जिम्मेवारी, जो चुन के आते हैं सांसद जी है उनको ढूंढना पड़ेगा, MLAs है वो अपना अपना पार्टी का जाते हैं, वो ऐसा कोई भी नेता मेरे को नहीं मिला कि सारा ये फार्मर्स का मैं समस्या लेके जा रहा हूँ कि द्रोणागिरी में इतना 30 हेक्टेयर कम है, वो कैसा भी करके भाई हुक और कुक उसका लॉटरी करो और उनको दे दो, ऐसा बोले। क्योंकि ये मनोहर भोर ट्राई कर रहे थे, 5 साल उनका निकल गया, और 2 साल के महेश बाली उनके MLA के 2 साल निकल गए, विवेक पाटिल के तो 20 साल निकल गए, लेकिन हुआ नहीं काम, होना चाहिए। सिर्फ अपने ढंग से कर रहे, उनको जाके बोलना चाहिए कि करना चाहिए, ये दमदार पॉलिटिकल विल वाला एक भी रामचंद्र ठाकुर थे अच्छा कर रहे थे, मतलब उनका फॉलोअप था। विलासराव थे, हम लोग नागरिक सुविधा की कम पैसा उन्होंने लाया, वो 2004 का 2007 में जो आंदोलन हो गया, अशोक चौहान साहब को नहीं आने देंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने JR निकाला था। इम्प्लीमेंटेशन भाटिया आने के बाद, संजय भाटिया आने के बाद नहीं हुआ, वो बोला क्लस्टर में जाओ। तो वो अशोक राव चौहान साहब का JR बहुत अच्छा था कि एज इट इज जितनी प्रकल्प जो घर है उनको नियमित किया जाएगा। हम लोग, हमारा डिमांड ये है कि सारे घर है उनको नियमित करो, तो उनका नेक्स्ट जनरेशन जाएगा ना अपने ऑटोमेटिक, उनको प्रॉपर्टी कर, जो अग्रिकोली संगठन की मांग है वो बराबर है कि जितने भी हमारे घर है वो व्यापारीकरण के लिए वो कुछ भी हो तो उनको नियमित करो, और यही करेंगे तो दीपी पाटिल साहब का जी विश थी वो पूरी हो जाएगी, और तभी सिड़कों के सारे प्रकरणों की शांति कब हो जाएगी कि जो बचे हुए प्लॉट दे दो और उनके नेचुरल ग्रोथ के घर है उनको नियमित कर दो। सर अभी सर अब जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल विल की कमी रही है, जो जितने भी अभी आपने नाम गिनाया, चाहे विवेक पाटिल जी हों, राम से ठाकुर हों, या मनोहर भोईर हों, महेश बाल्दी भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आने वाले समय में हम महेंद्र खड़े जी को किस रूप में देखेंगे, किस तरह की आपकी तैयारी है आने वाले समय के लिए? देखो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, फिर भी सिड़कों में मेरा कोई काम नहीं रुकता है। आप देखो आज खाली सेलगर के लिए मैदान नहीं लगा, गवान के लिए मैदान अभी छोड़ दिया रिसेंटली, कोपर गांव का विलेज का मैदान था उसमें प्लॉट्स था वो निकालने के लिए बोल दिया। हम सारे गांव के लिए, हम लोग चाहते हैं कि सॉस ले, हम जाके बहुत झगड़ते क्योंकि इतने कंक्रीट के जंगल बनाए कहा उन्होंने, रिक्रिएशन के लिए प्लॉट्स है उसको डेवलप नहीं डेवलप करे, तो मैं अपना काम करूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि तुम अगर MLA है, MP है,
तो उनको एंट्री डायरेक्ट है, उन्होंने करना चाहे उनको ज्यादा वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हम लोग नहीं है ये है। मेरे को लिमिटेशन क्या है, मेरा काम नहीं रुकता है, मैं बोलता है सारे MLAs है उनसे ज्यादा काम करता हूँ मैं, हम लड़े दिल्ली तक दिया, ये दम होना चाहिए। आज मैं 350 हेक्टेयर को एयरपोर्ट का पैकेज दिलवाया, ये महेंद्र रथ की देन है, ये इन MLAs को मालूम नहीं है कि कैसे लड़ते हैं हम लोग, उनको समझना चाहिए कि महेंद्र रथ MLA नहीं है लेकिन लोगों की समस्या सारे फार्मर्स की जो भी है। जैसा अभी नेचुरल ग्रोथ का एक ही घर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, महाविकास आघाड़ी सरकार को हम लोग CM और डिप्यूटी CM को मिले, उन्होंने बोला अभी टूटेगा नहीं या अभी रेगुलेशन होगा, अभी जल्दी से जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जल्दी दे और ये लोगों की समस्या। सर जो पनवेल है और उरण खासकर वो नोइंबई से सटा हुआ इलाका है और नोइंबई वो सिटी है जिसे पूरे देश में रहने लायक नंबर 2 के शहरों में शुमार किया गया है, उसको आप किस तरह से चाहते हैं कि आने वाले समय में उरण और पनवेल की जो दशा और दिशा बदले और नोइंबई की तरह के बेहतर सिटी डेवलप हो यहाँ? हम आपको बोले ना कि पॉलिटिशियन जो है हर साल को यहाँ के उरण में देखा कि हर साल हर 5 साल नया MLA, आज आप जानते हो ये उलवान हो रहे, इसके लड़ रहा पानी का प्रेशर नहीं है, ये 5 साल से बना, एक भी स्मशान भूमि नहीं है, दफन भूमि नहीं है, 5 साल से फॉलोअप करो, लेटर लिख रहा हो, अभी बोलता है सेक्टर 12 में हम लोग प्लान कर रहे हैं वो होने के लिए 5 साल, मतलब लोग रहने को आ गए, पानी नहीं मिल रहा है, रस्तों की हालत खराब है, खस्ता हालत है, कोई लोक प्रतिनिधि ने MP ने MLA ने MLC भी बहुत है हमारे इधर जो वो मतलब राष्ट्रवादी के पास है, तब वो बाकी एक BJP का पदवीधर में है, तो आप सुनो कि यार स्मशान भूमि नहीं हो रहे तो क्या लोक प्रतिनिधि करते, वेग पटेल हो गए, उनका टर्न खत्म होके गया, मनोहर भोईर का गया, महेश बाल्दी का आधा हो रहा है, तभी भी स्मशान भूमि नहीं हो रहे और कौन जाके फॉलोअप करता है, बैठो एक लात मारो तो काम होना चाहिए, अभी इतनी जनता है उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों हम लोग वोट मांगने को जाते, वोट मांग के होता है ऐसा नहीं है, हम लोग महेंद्रगढ़ कहाँ बैठे निकले, महेंद्रगढ़ जिला परिषद में था तो भी लोग काम याद करते है, महेंद्रगढ़ यहाँ है तो भी मैदान दिलाने वाला एक ही का आदमी है, ये देखो एक गांव मॉडल विलेज बनाया है, अगर ऐसा बना के दिखा उनको सबको बोला एक का किसी का गांव ऐसा के दिखा, कोई भी पॉलिटिशियन को चैलेंज करता हूँ मैं। सर आखिरी 2 सवाल, आप सत्तारूढ़ सरकार के हिस्सा हैं और यहाँ पर जो पालक मंत्री हैं NCP के हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो विकास की धारा है यहाँ पर जिस तरह से बहाई जानी चाहिए उस तरह से पालक मंत्री का शायद ध्यान नहीं है या सत्तारूढ़ सरकार का ध्यान नहीं है, क्या वजह इसके पीछे आपको रियल में लगती है? नहीं, इसमें पालक मंत्री अदिति तटकरे जी, सुनील जी तटकरे सब MP हैं, एक्चुअली उन्होंने ये सबको सबका साथ सबका साथ लेके सबका विकास करना चाहिए, वो कर रहे रोहा में कर रहे, यहाँ भी के लिए मीटिंग लगाते हैं, मीटिंग लगाने से नहीं आने होता, मीटिंग लगा लो उसका डेडलाइन ले लो, हम जैसा मैं बोलता हूँ, मैं अगर MD को मिलता हूँ तो MD को बताऊँ, MD या JMD हो या चीफ इंजीनियर उनको बोलते हैं यार डेडलाइन क्या है काम का, कब टेंडर निकलेगा आपका, ये होना चाहिए, तो उन्होंने सबको लेके काम करना चाहिए। तटकर साहब भी पालक मंत्री रह चुके हैं और अभी अदिति तटकरे जी पालक मंत्री हैं, ये सारे MLA MP में बोलता यार तुम्हारे पॉलिटिकल जूते फेंक दो, जाने तो मरने जो, जिस दिन इलेक्शन लगेगा तब लड़ो, लेकिन साथ में आके ये समझदार करें, नई मुंबई में कुछ भी हो, गणेश नायक साहब मिनिस्टर थे लेकिन वो उधर रुकते नहीं थे, वो नई मुंबई में रुकते थे, वो काम करने की जो है ना, जैसे गणेश नायक वो छगन भुजबल हो, जो मैं अजित दादा पवार उनकी बात की, उनका ढंग काम करने का अलग है, वो करवा के लेते हैं, निधि लाते हैं, तो ये होना चाहिए, या तो अलग है BJP के MLA है, फिर पालक मंत्री राष्ट्रवादी के है, कांग्रेस का कोई MLA है नहीं और सबको साथ लेके नहीं चल रहे, तो हमको तो यार आपका पीरियड कम है, कितना 200 साल जीने के लिए तुम लोग भी नहीं आए हो, और 10-15 साल कोई भी 70 के बाद 75 होता है उनका क्रय शक्ति कम होता है, जो करना है आज करो, संत कबीर कल करे सो आज कर, आज करो से अभी कर, पल में प्रलय वाली कोविड का प्रलय गया हम लोग हो गए, मार पोलादपुर में हो गए, तो इसके लिए काम सबको लेके करना चाहिए, जैसा आप है मीडिया आप बोलते हो आवाज उठाते हो लेकिन वो पूरा होने तक आपका भी आवाज चलना चाहिए। पनवेल और उरण की बदहाली के लिए जिम्मेदार इसे आप मानेंगे और इसके लिए आपका प्रयास आने वाले समय में किस तरह का होगा? मैं बताऊं सारे पॉलिटिशियन बदहाली के लिए जरूरत, उन्होंने सबने साथ मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं शेखा बख्श का भी 17 साल नेता था, मैं कांग्रेस में हुआ, ऐसा नहीं, हम लोग साथ में क्या, जैसा एक विजन होना चाहिए, जैसे समझो उन्होंने अभी रामचंद्र ठाकुर साहब ने स्पोर्ट्स क्लब अच्छे बनाए, वेग पटेल ने भी करना स्पोर्ट, लेकिन उसमें डिफरेंस है, वो अपने अपने बनाए, लेकिन जैसा हम लोग पहले रामचंद्र ठाकुर साहब जब ये MP थे, हम लोग क्या काम लेना है कैसा करना है वो फॉलोअप था, ये नए जनरेशन में फॉलोअप और काम करने का नहीं, ये खाली घोषणा देखे घूम रहे,
वो ऐसा नहीं, उनको होता है ग्राउंड में काम करना है, रुको और लोगों करो, वो जो अधिकारी है उसको डेडलाइन दे दो, ये पाइपलाइन अभी होएगा, ये होएगा, ये करना चाहिए, जनता की क्या जरूरत है उसके ऊपर काम करो। वो जाते हैं जनता में और बोलते हैं पैसा बांट के चुन के आओ, ऐसा नहीं होता है। चुन के आओगे तो कुछ करके जाओ, उसमें खाली टाइम पास ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो एमपी है, हमारा दुर्देव क्या है कि रायगढ़ बटा हुआ है, आधा इधर आधा उधर। अभी समझो बारने साहब खासदार है, पहले गजानन बाबर थे, वो लोग इधर आते ही नहीं। तो शिड़को का और जेएनपीटी का जो आप जेएनपीटी का आप देते हो सारा फंड उधर जा रहा है, सीएसआर फंड। उनके गांव के आप जाके दौरा करो, जिला परिषद स्कूल की हालत देखो, गांव की हालत देखो, अरे कितना पैसा देते हो वो देखे, एक एक गांव दत्तक लेके करो। मतलब ये जो भी एमएलए अभी दोनों उरन से है, उनको ही पूछो कि इनका क्या करना है और पैसा क्यों जा रहा है उधर, 200 करोड़ जा रहा है। और ये मैं बोलता हूँ 10 करोड़ में गांव बदल दिया, ऐसा बदल के दिखाओ। आखिरी सवाल, कांग्रेस को बहुत अरसे के बाद एक ऐसा जिलाध्यक्ष मिला है जो कांग्रेस पार्टी से ही उभर कर जिम्मेदारी संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। इसके पहले चाहे आरसी घरत हो या जो दूसरे जिलाध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से आए हुए थे। अब ऐसे में एक उम्मीद आपके प्रति जगी है जब से आपकी नियुक्ति हुई है कि अब निश्चित तौर पर रायगढ़ में कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है वो बेहद मजबूती के साथ उभरेगा और चुनाव में उसका असर भी नजर आएगा। आपकी अपनी भूमिका कैसी रहेगी? एक कांग्रेस, रायगढ़ जिला ही कांग्रेस की धरोहर है और मेरे पास युद्ध संगठन बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ हैं और पूरा जो हम लोग थे ग्रास रूट पे, जो कांग्रेस के लोग हैं वो हर जगह हैं। अभी उनको जगाना है, चलाना है और मैं चाहता हूँ कि सबसे निष्ठावंत कैडर जो है वो कांग्रेस में काम करने वाले, ये बाकी जो है वो कांग्रेस से बनी हुई पार्टी है, कांग्रेस से जाके कोई बने हुए है। तो हम लोग एक है कि इनको इकट्ठा करूंगा, एक साथ करूंगा, उनके अंदर के झगड़े सब निपटाऊंगा तो कांग्रेस को एक नंबर बना सकते हैं। साथ में चलो। और कैप्टन ऐसा भी न किससे भाषण के लिए डरता हूँ, न किसके साथ मैं झुकूंगा। आपको मालूम है अपना स्टाइल है, लेबर लीडर है हमारे ऊपर, जो भी हो हम लोग आवाज देते हैं, बात करते हैं और कमिटमेंट है। और अंतुलेश साहब का कांग्रेस उभारना ये मेरी जिम्मेदारी, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। और जैसा कि आप सुन रहे थे कांग्रेस के नव नियुक्त रायगढ़ के जिलाध्यक्ष महेंद्र घरत साहब, अब इस नई जिम्मेदारी में जिस तरह से आपका विजन है कि कांग्रेस को रायगढ़ में नंबर वन पार्टी बनाएंगे, जिसका असर आने वाले मनपा चुनाव में भी साफ नजर आएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो विजन है, जो आपका प्रयास है, जो आपका संकल्प है, निश्चित तौर पर साकार होगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपको रूबरू कराएंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। लेकिन मुंबई और नई मुंबई समेत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।